दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल पर अलराजी बैंक एप्लीकेशन डाउनलोड है, इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अपना अलराजी बैंक से किसी भी सिम का बिल जमा करने का है तो कैसे करेंगे, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से कि आप कैसे अपना अलराजी एप्लीकेशन से किसी भी सिम का बिल जमा कर सकते हैं। तो इसलिए आप आज का वीडियो स्किप मत करिए, आज का वीडियो पूरा देखिए। आप वीडियो स्किप करते हैं फिर आपको फिर समझ में आना मुश्किल है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना बिल आप अलराजी एप्लीकेशन से जमा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ उसको अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए ओके दोस्तों, मैं भी अपने मोबाइल पर अलराजी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि आप किसी भी मोबाइल का बिल इसमें से कैसे आप जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना अलराजी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, अपना पासवर्ड इंटर कर देते हैं। आप भी इसी तरह से करते होंगे दोस्तों, सेम टू सेम मैं भी कर रहा हूँ, इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं है। तो इसमें आप बताता हूँ कि आप किसी भी सिम का कैसे बिल जमा कर सकते हैं। ओके, मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अभी मुझे बैंक से OTP आएगा, उस OTP मैं यहाँ लिखूँगा। चलिए, मैं OTP आ चुका है 3221। OTP डालने के बाद मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, मेरा अभी एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ कॉर्नर देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में 3 लाइन दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट एंड बिल, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक काम करना होगा दोस्तों, आप जिस सिम का भी बिल जमा करना चाहते हैं आप उस सिम को पहले यहाँ पर ही आपको ऐड करना पड़ेगा। उस सिम का जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को यहाँ पर इंटर करके ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं भी इसमें ऐड करता हूँ अपना सिम नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे ऊपर में टेलीकॉम एंड इंटरनेट, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो। देखिए यहाँ पर जितना भी सिम कंपनी है सबका नाम यहाँ पर टोटल दिया हुआ। देखिए यहाँ पर मोबाइल ही है, वर्जिन है, STC है, जेन है, तो नीचे आइएगा, देखिए जेन है, वर्जिन है, मोबाइल प्रीपेड है, लिब्रा है, लिब्रा प्रीपेड है, सावा का है, STC सावा का है। ठीक है, आपको टोटल कंपनी जितना भी कंपनी है आपको सारे कंपनी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जिस भी कंपनी का जिस भी नंबर का आपको बिल जमा करना है आपको उस नंबर को आपको उस पर क्लिक करके उस नंबर को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी अपना मोबाइल का बिल जमा करना चाहता हूँ तो यहाँ मोबाइल पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने यहाँ पे बिल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, तो यहाँ पे चलिए मैं अपना मोबाइल लिख देता हूँ, मुझे याद रहेगा MOBIL मोबाइल। मोबाइल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म में क्लिक करेंगे। अभी आपको बैंक से एक OTP आया दोस्तों, उस OTP को यहाँ पर लिखना है। देखिए मैं OTP आ चुका है 7129, इसे लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, मेरा बिल सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। ठीक है, आपको भी इसी तरह से अपना बिल को ऐड करना पड़ेगा, आपका जिस भी कंपनी का सिम रहेगा उसे यहाँ पर पहले सबसे पहले ऐड करना पड़ता है। तो चलिए अभी वापस चलते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ गो टू माय बिल, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मोबाइल ही मेरा नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमाउंट आपको शो कर रहा होगा 231.45 हलाला। तो मेरा ये बिल आ चुका है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं ये बिल जमा कर दूँ। तो चलिए मैं आपके सामने बिल जमा कर देता हूँ और आप देखिए कि बिल कैसे जमा किया जाता है। तो बिल जमा करने के लिए दोस्तों ये आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो भी अमाउंट रहेगा इस स्टेप से आपको सामने शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ पे सिलेक्टेड बिल 231.45 SAR। ठीक है, आपका भी जो भी बिल रहेगा आपका बिल भी इसी तरह से शो होने लगेगा।
तो मुझे अभी बिल जमा करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ माई अकाउंट, यहाँ अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, आपके मोबाइल पे जितना भी बैलेंस रहेगा, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा, यहाँ बैलेंस शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह दोबारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टोटल चीज़ आपको क्लियर लिखा रहेगा कि मोबाइल का बिल है 231 रियाल का बिल आपको जमा करना है, आपका अकाउंट नंबर इतना है, आपका बैलेंस इतना है, आपका ड्यू बिल इतना है। टोटल चीज़ जो है आप पूरा डिटेल यहाँ पर ही आपके सामने शो होने लगेगा। आप सब कुछ देख लीजिए। देखने के बाद में आपको क्या करना है, कन्फर्म पर देखने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा कन्फर्म पर, आपका बिल जो है पेड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली पेड बिल। देखिए मेरा, मुझे बिल का मैसेज भी आ चुका है एलर्जी की तरफ से, यहाँ पर भी यहाँ पे शो होने लग गया। देखिए मुझे मोबाइल से भी मैसेज आ चुका है, मेरा बिल जो है कन्फर्म हो चुका है। आई होप अभी आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों अपना बिल जमा करने के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं बैक टू माय बिल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा मोबाइल का बिल जो कुछ देर पहले 231 था, अभी 0 हो चुका है। मैंने इसका मतलब है कि मैंने अपना बिल जमा कर दिया। अभी आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि अभी अपना बिल आप कैसे जमा करिएगा। आप किसी भी बिल को जमा करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बिल को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। टेलीकॉम इंटरनेट पर जाके अपने बिल को ऐड करना है। जिस कंपनी का भी आपका सिम रहेगा उसे एक बार ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में आपको सिर्फ एक बार ऐड करना है दोस्तों। उसके बाद जब भी दोबारा जब एप्लीकेशन ओपन करिएगा तो आपको यहाँ पर माई बिल में आपका वो बिल शो होने लगेगा। अभी नेक्स्ट मंथ मेरे मोबाइल में जो भी बिल आएगा यहाँ पर पेमेंट शो होने लगेगा। बस मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा बिल जो है जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अपना एलर्जी एप्लीकेशन से किसी भी सिम का बिल जमा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर से रिप्लाई करूँगा। और अभी तक अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल का भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले। इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करिए दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिव मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी दूसरे यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।